10 मई 2023 को आपके लगन पर कर्क लग्न पर ही मंगल जो कि आपके जीवन के आपके दशमेश हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, यही हो जाएंगे नीच के। और इनका क्या प्रभाव होगा, क्या वास्तव में ये अपने इस 50 दिन के दरमियान आपको कोई दुख या तकलीफ देने वाले हैं या कोई बहुत बड़ी शुभता लेकर के आपके जीवन में आने वाले हैं। हमने यहाँ पर बात किया है ग्रहों की डिग्री को लेकर के, क्योंकि कोई ग्रह जब डिग्री वाइज एक अपने सक्षम स्थिति में आता है 12 से 18 डिग्री में आता है तो उस टाइम पर वो सबसे नेगेटिव रिजल्ट देगा। कब देगा, जब ये नीच का है तब। तो उसी को आपको समझना है, क्रम इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप यदि कर्क लगने के तो हमारे साथ बने रहें, यहाँ पर बहुत एक पॉइंट भी आपको मिस करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर चार नंबर लिखा, कर्क राशि आपकी हो गई, कर्क लग्न आपका जन्म हो गया, चार नंबर पर मंगल यहाँ पर प्रविष्ट हो रहे हैं, 10 मई 2023 को प्रविष्ट होंगे और ठीक 1 जुलाई 2023 तक रहेंगे। अब ये तो हो गए भाई मंगल की स्थिति। अब समझना ये है कि मंगल जब यहाँ पर होते हैं तो नीच के हो गए, ये नीच के मंगल आपके जीवन में लगन पे हो रहे हैं तो आपके शारीरिक परेशानियों को बढ़ावा देंगे। हमारे यदि कोई पुराने हमारे स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानियाँ चल रही है, तो उसके बढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर बढ़ सकती है। मंगल की यहीं पर चतुर्थ दृष्टि भी होती है, तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है ये आपके चतुर्थ भाव पर ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर आपके सुखों में यहाँ पर कुछ कमी की आभास आपको मिल सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, उनको यहां पर कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ में यह बात आपको कभी नहीं भूलना है कि यही आपकी मातृ स्थान है। यदि मंगल यहां पर देखेंगे नीच दृष्टि से देखेंगे तो माता को भी कष्ट और विशेष तौर पर यहां पर सुख की कमी। परंतु आपको डरना नहीं है, अभी हम आपको बता रहे हैं इस डिग्रियों के द्वारा कि इसका नेगेटिव इफेक्ट कब मिलेगा और कब आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। अब यही समझना है, यहां से सातवीं दृष्टि ये मंगल दे रहे हैं आपके जीवन में आपके सप्तम भाव पर, जो कि उच्च स्थान हो गया मंगल का। मंगल बैठे तो नीच के हैं परंतु इनकी उच्च दृष्टि हो गई है आपके सप्तम भाव, जो आपका बिजनेस का होता है, आपके पार्टनर का होता है। तो पार्टनर के हिसाब से आपके दाम्पत्य जीवन में ये थोड़ा सा यहां पर खटास पैदा कर सकते हैं। साथ में इस मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, तो मंगल की जो आठवीं दृष्टि होती है इसको भी आपको समझना है। यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट की स्थिति यहां पर मंगल बना सकते हैं। अब कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इसी भ्रम को आपको दूर करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वेश्चन भी आए थे कि महाराज जी ये मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल नीच के हो रहे हैं, तो क्या इसका हमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। तो हमने आप देखे होंगे, हमने कमेंट में भी लिखा है कि हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो भी ऐसा बनाएंगे जो आपके समझ में आए और आपके जो भ्रम है इस नीच के मंगल को लेकर के वो दूर हो सके। तो समझिएगा इसे, कोई भी ग्रह, सूत्र क्या बोलता है, कोई भी ग्रह जब सम राशि पर हो और 0 से 6 डिग्री पर हो तो उस समय पर वो ग्रह जो है वो मृत अवस्था पे पाया जाता है। तो मतलब मंगल यहां पर जैसे ही प्रवेश करेंगे 10 मई को, ये यहां पर मृत अवस्था पे रहेंगे। अब कब तक, तो 10 मई से लेकर 21 मई तक ये मंगल 0 से 6 डिग्री में रहेंगे, अर्थात मृत अवस्था में होने के कारण इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप ये मान सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर, अच्छा इसके बाद तुरंत समझते हैं कि 22 मई से 23 मई, ध्यान से समझिएगा, 22 मई से 30 मई के मध्य यही वृद्ध अवस्था में रहेंगे, 6 से 11 डिग्री में यहाँ रहेंगे। तो 6 से 11 डिग्री में जब ये मंगल यहाँ पर रहेंगे तो इस स्थिति में आपको शारीरिक हानियाँ नहीं देंगे, सिर्फ उपस्थिति का आभास कराएंगे। भाई मंगल यहाँ पर है तो उपस्थिति है, यहाँ पर मंगल की नीच की उपस्थिति है, इससे थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में नरमा गर्मी रहेगा, परंतु बहुत मेजर सिचुएशन कभी नहीं आ सकता, नहीं आपके सुखों में कमी देंगे। उल्टा मंगल तो भूमि के कारक माने गए हैं, तो चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो आपके भूमि संपत्ति यदि क्रय करना चाहते हैं तो उसके तो कारक ही है मंगल, आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन पर विवाह की भी संभावना यहाँ पर बना सकता है मंगल, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि है। अब समझना है, इसके बाद का जो दिन आएगा वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वो डेट होगा 1 जून से लेकर के 10 जून का समय, इस टाइम पर मंगल 12 से 18 डिग्री पर होंगे। अब नियम क्या बोलता है, 12 से 18 डिग्री में यदि कोई ग्रह है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो अपने शुभत्व को अथवा अशुभत्व को देने की सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी अपने पास रखता है। तो यहाँ पर मंगल इसी 1 जून से लेकर 10 जून तक यहाँ पर पूर्ण 12 से 18 डिग्री में रहेंगे। ये वो समय होगा जो आपको विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। यदि पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो आपको सतर्क रहना है। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई विशेष आपको योजना नहीं बनाना है। दाम्पत्य में भी थोड़ा सा उस समय पर सतर्क रहना है, क्योंकि ये बिजनेस भाव भी है, तो आपके व्यापार बिजनेस कर्म क्षेत्र पर भी आपको अटल सत्य के साथ रहना होगा। क्योंकि मंगल जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर एक शांति का अनुभव करेगा मंगल, एक आप ऐसा मानिए पिंजड़े में बंद शेर,
ऐसा भी कहा गया है लाल किताब में। तो पिंजरे में बंद शेर कौन है? मंगल है। मंगल यहाँ कुछ करना तो चाहता है परंतु यहाँ जल तत्व की राशि पर है, तो इसलिए वहां पर शांति का अनुभव कर रहा है मंगल। और इसलिए जहां जिस जिस भाव का वो कारक है, जहां जहां उसके दृष्टियां पड़ रही है, उस भाव को ज्यादा प्रभावित भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इनकी आठवीं दृष्टि तो ही है, अब इन समझते हैं मंगल आपके कर्क लग्न के जीवन में किस भाव के स्वामी हो गए। तो कर्क लग्न के जीवन में ये दशम भाव के स्वामी है, आपके दशमेश है। दशमेश का नीच का होना आपको एक तरफ तो ये लग सकता है कि मेरे करियर में बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी, परंतु सिर्फ आपको उसी समय आएंगी 1 जून से 10 जून, जिस समय पर ये मंगल परम अपने युवावस्था में रहेंगे, अर्थात यहाँ पर हमने लिखा है 100% का रिजल्ट यहीं पर देंगे। इस समय पर थोड़ा करियर में आपको उठापटक देखने को मिल सकती है, कुछ अशांति आ सकती है। इसके बाद 11 जून से 20 जून तक ये कुमार अवस्था में रहेंगे, 50% का जो हमने बताया उसका 50% का ही रिजल्ट मिलेगा, इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो है 27 और 28 जून का वो समय होगा, इसे आप ध्यान रखेगा, 27 और 28 जून का वो समय होगा जिस दिन मंगल अपने परम नीच अंश 28 डिग्री में होंगे, और यही वो दिन होगा जब ये मंगल आपके जो जो हमने बताया उन सब भाव को ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा डालेंगे। अब समझना है आपको, आपको डेट कौन सा ध्यान रखना है, 1 जून से 10 जून और दूसरा 27 और 28 जून, बस। बाकी जगह पर मंगल आपका एक न्यूट्रल आपका रिजल्ट देगा, कोई किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी परंतु अब उस परेशानियों से मुक्ति का क्या उपाय है, क्या ऐसा प्रभाव है जिस इस कुयोग को मंगल जब नीच राशि नीचस्थ स्थान पर जब मंगल गए हैं तो कैसे इसे हमें सुयोग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो बताया गया है वो ओम भौम भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। तो इस प्रकार से मंगल का मंत्र जाप आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दूसरा उपाय श्री हनुमान जी की आराधना। क्यों हनुमान जी की आराधना? हनुमान जी में आराधना में क्या कर सकते हैं? तो सिंदूर और घी का लेपन हनुमान जी में अर्पण करना है। कारण सिर्फ इतना है कि माता सीता ने भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए अपने मांग पर सिंदूर लगाया था, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता ये आप क्यों कर रही हैं, क्यों ये क्या लगा रही हैं? तब माता ने कहा था कि भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए मैं लगा रही हूँ। तब हनुमान जी महाराज तो भोले भाले हैं और जा करके एक परात सिंदूर लेकर के अपने शरीर पर पूरे उड़ेल दिए और सभी अंगों पर सिंदूर लगा दिए और बोले जब माता जी एक चुटकी भर सिंदूर से आपके प्रेम पात्र हो गए हैं श्री राम, तो मैं तो सारे शरीर पर सिंदूर लगा रहा हूँ, मेरे कितने कृपा मैं कितना कृपा प्राप्त कर सकता हूँ भगवान श्री राम का। तभी माता सीता ने वरदान दिया था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और अस वरदिन जानकी माता। तो इसी तभी समय इस जानकी माता ने इन्हें वरदान दिया था और वरदान दिया था साथ में कि जो भी मंगल ग्रह से पीड़ित हो, इस मंगल के नीचत्व से कोई दुख पा रहा हो, तो उसे करना क्या है, हनुमान जी में सिंदूर अर्पण करना है, तो उससे हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी। और सिंदूर जो है वो लाल रंग का होता है, मंगल का कारक माना गया है, और जो घी होता है गाय का घी हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसे चंद्रमा का कारक माना गया है। इन दोनों को मिला करके लेपन हनुमान जी के चरणों पर या हनुमान जी के शरीर पर लगाने से इस मंगल के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। और दूसरा उपाय आपके लिए दिया जाता है मटके का घड़ा। मटका जो कि भूमि से बनता है वो भूमि तत्व है और दूसरा लाल रंग का होने के कारण ये सीधा सीधा इसे मंगल से आप जोड़ सकते हैं। साथ में आप उसमें अगर जल डालते हैं तो यहीं पर चंद्रमा का तत्व वहां पर मिल गया, तो जिसके कारण आप इसे किसी को दान दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, कहीं पर पियाऊ खोल दीजिए, क्योंकि ये वैसे भी अभी गर्मी का समय चल रहा है, ज्येष्ठ का महीना है, तो ये आपके लिए शुभ कारक होगा। घर में स्वयं एक मटके का जल मटके में जल रखें और उसका आप पानी पीते रहें, देखिए आपके जीवन में कितनी परिवर्तन आ जाएगी और कितने आप संपन्नता महसूस करेंगे। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस प्रयास को आपने समझा होगा, सुना होगा, और यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगता है तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, अपना एक लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।